हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूबी स्टडी। क्यूबी स्टडी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी जीडी की अभ्यर्थी हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेगा कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब, जैसे कि फिजिकल टेस्ट में क्या सभी कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, सभी डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन कब होंगे, फिजिकल टेस्ट के एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करने होंगे, एसएससी के वेबसाइट से या फिर सीआरपीएफ के वेबसाइट से। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर क्या क्या इंपॉर्टेंट नोट्स है। नोट वन, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई चेस्ट मेजरमेंट नहीं होंगे। नोट टू में लिखा है कि पहले होगा पीएटी यानी रेस का टेस्ट। पहले होगा दोस्तों पीएटी यानी रेस का टेस्ट, देन पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। पीएसटी में हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट होगा। तो इनमें जिन जिन कैंडिडेट्स का रिलैक्सेशन चाहिए यानी हाइट और चेस्ट कम है, तो इन सारे कैंडिडेट्स को एक सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। एनेक्सर 8 में एक सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, तो इस फॉर्मेट को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। जिन जिन कैंडिडेट्स का हाइट और चेस्ट कम है, तो ध्यान दीजिए, जिन जिन कैंडिडेट्स का हाइट और चेस्ट में रिलैक्सेशन चाहिए, इन सारे कैंडिडेट्स को ये सर्टिफिकेट लेके जाना है। बाकी कैंडिडेट्स को कोई सर्टिफिकेट लेके नहीं जाना है, सिर्फ एक फ़ोटो आइडेंटिटी जैसे कि सीबीटी में लेके गए थे, इस तरह आपको लेके जाना होगा। तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर इसका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट का डाउनलोड लिंक डाल देंगे, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो नोट थ्री वो है, फिजिकल में जो कैंडिडेट्स डिसक्वालीफाई होंगे, इन सारे कैंडिडेट्स को अपील करने के लिए चांस दिया जाएगा। तो आप लोग अगर फिजिकल में डिसक्वालीफाई होते हैं तो आप लोग अपील कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्रिसाइडिंग ऑफिसर के यहाँ पर सेंटर में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के थ्रू आप लोग अपील कर सकते हैं सेम डे जिस दिन आपका फिजिकल होगा उस दिन ही। और जो अथॉरिटी है, एपीलेट अथॉरिटी, इसके जो डिसीजन है यही फाइनल डिसीजन है, उसके बाद आपको कोई चांस नहीं मिलेगा अपील करने के लिए। और पीएटी जो रेस का टेस्ट होगा, रेस का टेस्ट में आपको अपील करने का कोई चांस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट नोट फोर में लिखा है कि जो फिजिकल और मेडिकल कंडक्ट करने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कैप्स के है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फिजिकल और मेडिकल बोर्ड के, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट का जो बोर्ड है, बोर्ड का डिसीजन के अगेंस्ट कोई एंटरटेन नहीं करेगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मेडिकल एग्ज़ाम। जो कैंडिडेट्स मेडिकल के लिए क्वालिफाई होंगे, इन सारे कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, सॉरी, जो कैंडिडेट्स मेडिकल के लिए क्वालिफाई होंगे यानी फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई हो जाएंगे मेडिकल के लिए, जो कैंडिडेट्स मेडिकल टेस्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना होगा, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एज एज प्रूफ, नेम एंड एडुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रूफ। तो पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो है मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो आप लोग ध्यान दीजिए, एक नंबर आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मस्ट, देन आपको लेके जाना है रेसिडेंस, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एक ही बात है। तो दो नंबर परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, देन आपको आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट ये भी लेके जाना है। आपका जो फॉर्मेट है सेंट्रल फॉर्मेट में, आपको एससी और एसटी का कोई सेंट्रल फॉर्मेट नहीं है, ये स्टेट फॉर्मेट ही सेम है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए सेंट्रल ओबीसी लेके जाना होगा। और जो कैंडिडेट्स डिफेंस में सर्विस करते हैं, इन सारे कैंडिडेट्स के लिए एक सर्टिफिकेट लेके जाना है जो एनेक्सर 4 में है, नोटिफिकेशन की एनेक्सर 4 में है। और जो कैंडिडेट्स एक्स सर्विसमैन है, इन सारे कैंडिडेट्स एनेक्सर 5 में है एक सर्टिफिकेट, तो इसको लेके जाना है। और कास्ट सर्टिफिकेट तो मैंने बोल ही दिया, एनेक्सर
और सेवन में है, एनेक्सर सिक्स में SC ST और सेवन में OBC का। नेक्स्ट है दोस्तों, OBC का जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, जो कैंडिडेट्स हाइट और चेस्ट मेजरमेंट में रिलैक्सेशन चाहिए, इन सारे कैंडिडेट्स को एनेक्सर 8 का एक सर्टिफिकेट लेके जाना है। तो ये फिजिकल के दिन भी लेके जाना है और मेडिकल के दिन भी लेके जाना है। जिस दिन मेडिकल होगा इस दिन भी आपको ये सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन रेस्पेक्ट डिपेंडेंट एप्लीगेंट्स ऑफ रियूड विक्टिम्स एज मेंशन, जो कैंडिडेट्स का पिता जो दंगे में शहीद हुए, इन सारे कैंडिडेट्स को एक सर्टिफिकेट लेके जाना है जो पैरा 4B में है नोटिफिकेशन का। तो नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए ये नहीं चाहिए, नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है मैंने राइट टिक मार्क दे दिया, कास्ट सर्टिफिकेट, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट। और जो कैंडिडेट्स रिफ्यूजी है, पाकिस्तानी रिफ्यूजी, इन सारे कैंडिडेट्स को एक सर्टिफिकेट लेके जाना है जो एनेक्सर 15 में है। नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए ये ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी है। तो आप लोग इसका जो फॉर्मेट है जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके ये सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और जो हाइट और चेस्ट की मेजरमेंट में रिलैक्सेशन चाहिए, इन सारे कैंडिडेट्स को ये एनेक्सर 8 का सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इसका डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए इसको। तो फिजिकल में कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा, सिर्फ जो कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन चाहिए हाइट और चेस्ट में, इन सारे कैंडिडेट्स को ही लेके जाना है। और जो एडमिट कार्ड आपको दोस्तों मिलेगा crpf.gov.in वेबसाइट में, तो आपको रेगुलर विजिट करने होंगे crpf.gov.in वेबसाइट में। तो ये था दोस्तों जो डाउटेड क्वेश्चन, अगर कोई भी डाउट है अभी भी आपको तो आप लोग कमेंट में लिख के बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपका जवाब दिया जाए। तो फिर मिलती है और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।